इस समय हम खड़े हुए हैं भिंड दतिया लोकसभा सीट पर, जिसे पीताम्बरा की नगरी दतिया के नाम से जाना जाता है, पीताम्बरा पीठ है। और यहाँ पर जो अति विशिष्ट जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, माई के दर्शन करते हैं, और यही वजह है कि माई भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। और खासकर अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो भी माई के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जीत का आशीर्वाद है वो लेने आ रहे हैं। इस समय गर्म बहस जो हमारा बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं दतिया के वो हमारे साथ हैं, और इस बहस में हम जानेंगे कि दतिया में अभी कितना विकास हुआ है, कितने की और जरूरत है। तो सबसे पहले सत्तारूढ़ जो कि बीजेपी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर पूर्व विधायक पुरोनिया जी हमारे साथ हैं, पहले उनसे शुरुआत करेंगे। सर पहले तो सिर्फ आप ये बता दीजिए कि बीजेपी ने कौन कौन से काम किए हैं। आप तो ये पूछो बीजेपी ने कौन कौन से काम नहीं किए हैं। मेरा निवेदन है कि केंद्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कितने आमूलचूल परिवर्तन केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए हैं। मुझे लगता है 70 साल में केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें नहीं, उन्होंने जिस प्रकार के काम नहीं किए जो काम हमने और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए। आप काम गिना दीजिए और दतिया के जो काम हुए वो भी गिना दीजिए। देखिए मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये जो लोकसभा के चुनाव है ये केंद्र के मुद्दों पर आधारित रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे घोषणा पत्र में और संकल्प पत्र में कहा था कि हम 370 धारा हटाएंगे, आज कश्मीर से 370 धारा हटाकर हम जो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, ये भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के माध्यम से मोदी जी ने ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो लक्ष्य था अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करना, तो जो जनहित के काम है, गरीबी उन्मूलन के काम है, ये केंद्र की सरकार के माध्यम से हुए हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर के और दतिया जिले में आप देखेंगे जब से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर विधायक नहीं थे तब दतिया की क्या स्थिति थी, क्या चित्र था, और अब जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ से विधायक बने, आज आप देखेंगे इतना आमूलचूल परिवर्तन दतिया में हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति, इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का चित्र ये दतिया का ध्यान में आता है। विकास की बात की है और पहले मैं कांग्रेस वाले भी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। पूर्व विधायक हैं पुरोनिया जी, कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा तब यहाँ नहीं थे, तब से लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। ये सब झूठी बातें हैं, चुनाव है और चुनाव के साथ झूठ बोलना तो भाजपा का नीति में ही है, वो झूठ बोलते हैं और राज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर संजय रायजू जो बीजेपी से हैं प्रत्याशी हैं यहाँ पे, उन्हें यहाँ कोई जानता ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ माई के सामने खड़े हूँ, ये बोलने के अगर 30 बार भी माई के यहाँ पे आई हूँ संध्या राय, नहीं आती हूँ क्षेत्र में। बिल्कुल देखिए बड़ी बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि जो आपके प्रत्याशी हैं अगर यहाँ आई हो तो आप बताइए। इनसे कह दो कि यदि इनके प्रत्याशी फूल सिंह भरैया यदि इस शर्त पर हार मानने को तैयार हो तो 5 साल में 50 बार का रिकॉर्ड तो दतिया का माननीय हमारी सांसद संध्या राय जी का रिकॉर्ड वीडियो सहित बता देंगे दतिया का। जहां तक दतिया के विकास का सवाल है तो दतिया के विधायक रहते हुए, गृहमंत्री रहते हुए नरोत्तम मिश्रा जी और संध्या राय जी सांसद जी ने रेलवे का जो जीर्णोद्धार किया है वो आंखों से जाकर देखे कांग्रेसी। हवाई पट्टी थी उसको आज हवाई जो उसका पट्टी का जब दर्जा प्राप्त हुआ है, और जहां हम खड़े हैं ये माई लोक ये इसका दर्जा प्राप्त हुआ है, और केंद्रीय योजनाओं के तहत हजारों घर जिनके घर नहीं थे उनके घर बना के प्रधानमंत्री जी ने, आयुष्मान कार्ड जिनके लोग जिससे लोग गरीब लोग मर जाते थे आयुष्मान का, आज 5 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी हो रहा है, और संध्या राय जी का हर क्षेत्र में हर जगह आप पूछ ले जाके संध्या राय जी की उपस्थिति दर्ज होती है। बिल्कुल, तो
बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख तक का, उसका निःशुल्क इलाज मिल रहा है लोगों को, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, हर चीज यहाँ पर। आयुष्मान कार्ड से अगर इलाज हो रहा होता तो आज इतनी मृत्यु हो रही है इस गरीब लोगों की, आपने देखा होगा। अगर कोई प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसका ऐसे फेंक देते हैं डॉक्टर, बड़े लोग डॉक्टर होते हैं, फर्जीवाड़ा कहते हटाइए, यहाँ कोई नहीं चलेगा, इस हॉस्पिटल में ये अलाउ नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है और ये छलावा है बीजेपी का। मैं कह देना चाहता हूँ कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है, इन्होंने कहा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए दूंगा, और इसके बाद में पूरा देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की सरकार जो बनी हुई, आज मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की बात करता हूं, चलो ठीक है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य जो व्यक्ति दे रहा था, आज उस व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया। तो मैं कह देना चाहता हूँ कहीं ना कहीं इनको ये बौखलाहट है, हार की ये स्पष्ट बौखलाहट दिख रही है, और इस प्रकार पूरे देश के अंदर मैं कह देना चाहता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है और दतिया की सीट, अभी ये देखा होगा आपने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को, अगर विकास इतना अच्छा होता और इनका नेचर अगर इतना अच्छा होता तो दतिया की सीट से 26,000 की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं 36,000 से जीतते। और आज इसी प्रकार से संध्या राय भी इतनी बुरी तरीका से यह दतिया लोकसभा सीट से हारेगी, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। देखो सर, विकास होता तो नरोत्तम मिश्रा जी नहीं आते, विपक्ष कांग्रेस की आज जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हो, एक तरफ भाजपा के लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के खड़े हैं। और मेरे मित्र जो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से विधानसभा में हम यहाँ हारे वो एक अलग बात है, लेकिन विकास के मामले में दतिया ने जो परचम स्थापित किया है वो एक उदाहरण है। साथ ही कहीं कुछ हमारे लोगों की कमियाँ थी जिसके कारण से इन्होंने जो झूठ फैलाए, ये अपना झूठ फैलाने में सक्षम रहे। किला चौक पर आप जाइए, बहुत बड़ा मल्टी, आपके लोग मिल गए क्या कांग्रेस? नहीं नहीं, मिल नहीं गए, पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और उसी का परिणाम है। अभी पिछले 6 बार से 7 बार से लोकसभा में क्या परिणाम हुआ वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहूंगा पब्लिक सब जानती है, पब्लिक से ही पूछ लेते हैं। सर कहाँ से हैं सर आप? दतिया, पत्रकार। क्या विकास देख पा रहे हैं दतिया? बहुत विकास, विकास इस बार चुनाव में क्या होगा? भाजपा ही है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल मैं एक बार लौटता हूँ, कह रहे हैं कि उससे कोई अंतर नहीं है, विकास हुआ है, सारी तस्वीर है दतिया की। वो एक बात कहता हूँ, दतिया भिंड की बात करते हैं, यहाँ हमारे भाई बैठे हैं, सारे चाचा समान हैं लोग हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बच्चे पढ़ाई करते हैं, 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई भी करते हैं किसी भी क्लास की, आखिरी में उनका पढ़ाई का जो रिजल्ट आता है वही दिखाता है कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की। उसी प्रकार से राजनीति में, लोकतंत्र में एक ये होता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच में अच्छा काम करता है, विकास करता है, योगदान देता है, तत्पर रहता है जनता के लिए, उसके बाद जो चुनाव में रिजल्ट आता है उसका जीत और हार का निर्णय करता है। यहाँ आप देख लीजिए, मैं आपसे बंसल न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ दतिया भिंड की लोकसभा जनता से, कि इस बार संध्या राय हार रही है, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हारे उसी तरीके से उससे विकराल रूप से चुनाव हारेंगी। ठीक है, क्या अगर 1990 से अपन यहाँ संसद का क्षेत्र जीत रहे हैं, इसका मतलब ये लोग रद्दड़ थे क्या? आज तक क्यों नहीं जीत पाए? अगर ये कहते हैं कि सामने वोट के हिसाब से आना चाहिए तो इतनी बार से हम लोग लगातार संसदीय क्षेत्र में क्यों जीत रहे हैं? मैं आपको रोक, मैं इनसे ये कह रहा हूँ, 35 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, झूठ बोलो राज करो कि ये लोग नीति अपनाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, और इसी तरीके से 35 साल से यही करते हैं, पर इस बार नहीं चलेगा। लोकल का प्रत्याशी है, कहाँ का प्रत्याशी है? फूल सिंह बरैया जी भांडर से विधायक है और वर्तमान में भिंड का प्रत्याशी है। बताइए ना, आप भांडा क्षेत्र में उन्हें देख सकते हैं क्या? अब और ये वो आदमी है जिन्होंने सनातन का हमेशा विरोध किया है, इन्होंने देवी देवताओं का विरोध किया, कल यही केवल यही नेता यहाँ से पीतांबरा मंदिर से उनके चरणों में नमन करते हुए निकल रहे थे। और आप ये देखिए, चुनाव आ गया तो सीधी पीतांबरा माई के चरणों में है, नहीं तो सनातन को गालियां देते हैं, हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, ऐसा होता है कहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो सनातन विरोधी हैं, भैया कह रहे हैं बीजेपी के हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर वो इतने विरोधी होते तो क्या विधायक होते हैं भांडर से? क्या होते हैं विधायक? नहीं होते ना, पर जनता सब जानती है। ये वही फूल सिंह बरैया हैं जिन्होंने बयान दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते तार, ठीक है ना? ये सनातन माफी तो मांग ली, लेकिन दिल में क्या है ये तो पता चल गया ना पब्लिक को।
वो जो व्यक्ति काले पोतले का नाटक कर सकता, एक मिनट, काले पोतले का नाटक कर सकता है, काले पोतने की घोषणा की थी, काले पोती क्या दिग्विजय सिंह गए उनके गालों से काला लगा, ये काले पोतना हुआ, ये काले पोतना हुआ। अरे भाई नहीं, काले तो पोती थी, गए भी थे। नहीं काले पोती नहीं, दिग्विजय सिंह ने गुलाल तरीका लगा दिया अपने हाथ में जीतने के बाद। अभी एक भी बार वो दिखे हैं किसी गांव में? अरे कल ही थे दतिया में। अरे मतलब अभी तो चुनाव, अरे अभी तो चुनाव चल रहा है भांडेर विधानसभा में, जीतने के बाद वो दिखे भांडेर विधानसभा में, उनकी स्थिति इस समय क्या है? वो हजारों वोटों से आएंगे विधानसभा भांडेर में ही, हजारों वोटों से हारेंगे। इस बार शासन रहा उसके बाद क्यों जनता नेग्लेक्ट कर दिया उनको, ये पूछें से। इस बार क्या होगा? इस बार भाजपा आएगी बहुमत से आएगी, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जनता पहले से जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। किनको? मोदी को। अच्छा बोल रहे हैं जो देश में राम लाए। रेल बेच दी, रेल बेच दी, जेल बेच दी, बेच दिया हवाई अड्डा, और कितना खुश हो रहा देखकर जेपी नड्डा। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे अगर देश के अंदर देखी जाए, इस बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश और प्रदेशों के अंदर है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर आज कोई इंडस्ट्रीज अगर कोई मालिक होता है, अगर वो देश के अंदर अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई अगर चिप्स का भी पैकेट बनाता है तो अपनी रेट न्यूनतम तय करता है, अगर पानी की बोतल भी बनाता है तो अपनी रेट स्वयं तय करता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश और प्रदेश के किसानों की क्या हालात है? अगर इनकी दुगनी आय हो जाती, आज ये किसान दिल्ली में इतना बड़ा धरना किया, आज 700-800 किसानों ने आत्महत्या हुई उनकी, उनने इस देश को बता दिया कि हम सच्चाई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि अपना किसान कभी देखा होगा खाद के लिए कर्ज उठाकर ले आता है, कभी बीज के लिए कर्ज उठाकर ले आता है, उसकी रेट का न्यूनतम तय होना चाहिए, उसके बाद में उसकी लागत देखना चाहिए, उसके बाद में उसको उसकी आय का दुगनी आय होना चाहिए। देखिए एक मिनट, मैं कृषि प्रधान देश है ग्वालियर, चंबल जो है कृषि प्रधान, यहाँ पर ज्यादातर जो कृषि का क्षेत्र है वो किया जाता है, और ऐसे में हम हमेशा देखते हैं कि खाद बीज की जिस समय बोनी होती है या जरूरत होती है तो निश्चित तौर पर ही कमी देखने को। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी प्याज के रेट अपने 100 रुपए बढ़ गए थे तो क्यों उन्होंने धरना दिया था? क्यों उससे किसानों को फायदा नहीं हो रहा था? इस बात का जवाब है आपके पास में? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ महंगाई को लेकर, एक सेकंड, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तब पेट्रोल कितना हुआ करता था? आज क्या कारण इतना महंगा पेट्रोल है? जब गैस का सिलेंडर कितना हुआ करता था? क्या यही अच्छे दिन थे? क्या इसीलिए अच्छा ये अच्छा शासन देना चाहते थे? और एक सेकंड में आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये ढोंग करते हैं, ये ढोंग ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, चल गई मोदी लहर, अब नहीं चलने वाली, अब सिर्फ इंडिया चलेगा, चख दे इंडिया, चख दे इंडिया। इसीलिए चकदे लिया, इसीलिए इंडी गठबंधन का सपा का प्रत्याशी खजुराहो से दस्तखत नहीं करता है, ढोंग करते हैं, पीछे हट रहे हैं, कांग्रेस कह रही है तुम लड़ो, तुम लड़ो। ये किसानों के कितने बड़े हितैषी हैं, ये झूठ बोलकर सरकार में आए थे मध्य प्रदेश की में, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कितने लोगों का इन्होंने कर्ज माफ किया बताए जरा, एक आदमी बताए, किसी आदमी का इन्होंने कर्ज माफ किया बताए? 15 लाख बीजेपी ने अकाउंट में डाले, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख हर अकाउंट में डालेंगे, ये झूठ बोलकर किसानों के साथ छलावा कर बोलते हैं कि हम किसानों के पक्ष, ये सरकार में लाभ डाले क्या? सीधी बात है, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये सरकार में आए तो इन्होंने वादा किया था हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, इन्होंने कितने युवाओं को भत्ता दिया ये बता दें जरा, कितने युवाओं को इनने भत्ता दिया बेरोजगारों को? गाइडलाइन से बनाई हुई थी, शिवराज सिंह मामा कहते हैं कि 3,000 रुपया बहनों को देंगे, दिया क्या? कहते थे कि मैं चुनाव जीतने देंगे, आगे देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, गाइडलाइन बनाई थी 1,250, 1,500, 1,800, 2,000, 3,000, इसी प्रकार से कांग्रेस ने 50,000, उसके बाद में 1,00,000, 1.5 लाख और 2 लाख तक के ये वो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन का पूरा पालन किया और 50,000 तक के कर्ज माफ हुए, 1 लाख तक के कर्ज माफ हुए, इसमें कम से कम 10-15 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ 50 लाख की जो गाइडलाइन में आए, और उसके बाद फिर होते 17-17 रुपए हुए, किसी के 250 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं। को 11 तारीख को राशि डलने वाली है, को 11 तारीख को राशि डलने वाली है। कमलनाथ सरकार ने 15 रुपए माफ किए, आपने अगर 15 पैसे करवाए 15 लाख बोलकर किसानों का ब्याज,
भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का ब्याज माफ किया और 0% पे खाद भी देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपको रोकना चाहूंगा। दतिया लोकसभा की बात करते हैं, दतिया लोकसभा में अभी कितना विकास हुआ है, कितनी जरूरत है, बीजेपी क्या मुद्दे रख रही है, इस बार कांग्रेस क्या मुद्दे रख रही है, उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे एक साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विकास भाई क्या लग रहा है? मैं किसी राजनीतिक से नहीं हूँ, मैं आपकी तरह पत्रकार हूँ। मैं अपनी बात इसलिए रखना चाह रहा हूँ, भैया ने बोला आयुष्मान कार्ड का फायदा किसी को नहीं मिला है। हमारे पिताजी ने पिछली बार 5 लाख रुपए फायदा लिया है सन 2023 में, 2024 में अभी भी बिरला में आप जानकारी ले सकते हैं, श्री किशनलाल स्वर्णकार जी का अभी भी इलाज चल रहा है आयुष्मान के अंतर्गत। मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने आयुष्मान से लिया है। कोई अगर जाना चाहे, शनिचर मोहल्ला में मेरा निवास है, श्री किशनलाल स्वर्णकार मेरे पिताजी का नाम है, आयुष्मान से पैसा लिया है, साफ साफ बात है। मैं आपको एक मिनट रोका। देखिए, आपने अभी आयुष्मान पर सवाल उठाए, आयुष्मान के आप अगर चने में एक आध ओंगना अगर दिख जाए तो वो दब जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा वोट सब लोग देते हैं, वोट ये नहीं देते अकेले, वोट पूरा दतिया देता है, वोट पूरा प्रदेश देता है। अगर चनों में एक ओंगना हो तो उसको हम गिनती नहीं रखते। इसलिए हमारा कहना है कि जब अगर गंगा बहती है तो पानी सब पीते हैं उसमें से, उस प्रकार की होना चाहिए ना। ये किसान बता दें जिसका 5 लाख का इन्होंने कर्ज माफ किया हो, इनके झूठ का ये कह रहे हैं, यही एक किसान बता दें, कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश आपके सामने हुआ है कि ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना जो है बात को जो है घुमा फिरा कर करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दादा कहाँ से हैं आप? सर हम बरगा से हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, का वो क्या करते हो आप? हम रंतीला बजा के सर। जरा बजाओ 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 बजाओ। जय माइकी। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिल? सर हम नहीं बता पा सकते। अंगली 300 रुपए का था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो मर रही है, वो तो भूखी मर रही है। पब्लिक क्या करेगी? आत्महत्या कर रही है, कोई जेल खा रहा है। ये लग रहा है, मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकार की अगर हैसियत से पूछा जाए तो विकास के नाम से ढोकला है। हाँ, जो विकास होना है, हम उनाव से आते हैं पाड़े, तो उनाव का एक रोड ऐसा है कि कहीं का रोड नहीं है। ये क्या लग रहा है सर, इस बार क्या रहने वाले, कहाँ से हैं? दतिया से हूँ सर। अच्छा, आप ये बताइए कि दतिया में कुछ विकास आपके लिए, कुछ सरकार की विकास बहुत कुछ हुआ है। वैसा हमारा आवास का नहीं हुआ है, ना हमारा सिलेंडर का हुआ है। लाडली बहना का लाभ घर पे मिल नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा एक भी। मेरा नाम प्रकाश कुशवाहा है। अब क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? चाय का धंधा। अच्छा, तो घर काम चल पाता है? नहीं चल लिया साहब। ये कह रहे महाराज, क्या गरीब आदमी कछु नहीं मिल रही महाराज, हमें पेंसिल बंद करा दे हमारी। पेंसिल नहीं मिल रही, पेंसिल कछु नहीं। अरे राम। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सीधे सीधे जो लोग हैं, युवा हैं, कहाँ से हैं भैया आप? अच्छा, क्या लग रहा है, काम हुए दतिया में? हाँ, काम तो हुए हैं। अब की इस बार चुनाव में क्या होगा? क्यों अब एक ये भी तो बीजेपी का ज्यादा अल्लाह दतिया। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या होगा? मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों आएंगे मोदी जी? विकास के तौर पर, विकास हालांकि कोई आपत्ति नहीं है, काम बढ़िया है, मोदी जी की बढ़िया सरकार चल रही है। बीजेपी है यार, बीजेपी। योजनाओं का लाभ मिल? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को मिल रहा है, हमको नहीं सभी को मिल रहा है साथ में। अच्छा, यहाँ कोई समस्या है, रोजगार है, ऐसा नहीं? अभी फिलहाल में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है सामने, रोजगार सबको मिल रहा है, योजनाओं को सबको लाभ मिल ही रहा है। अच्छा, जरूरतें क्या है यहाँ की? क्या यहाँ इंडस्ट्री देखने को नहीं मिल पा रही है, तो क्या यहाँ पर मेन काम जो है कार्य के प्रति होने चाहिए, जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया होने चाहिए, जो कि युवा बगैर रोजगार के फिर रहा है, उनको मार्गदर्शन मिल जाएगा थोड़ा। तो मानते हैं कि रोजगार एक बड़ी चुनौती इस बार इस चुनाव में हो सकती है?
नहीं नहीं इस चुनाव में नहीं हो पाएगी। रोजगार रोजगार क्या है, छोटे चुनाव विधानसभा के लिए होता है, लोकसभा के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, पार्टी का महत्व रखा जाता है। बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम बहस गरम में हमने देखा कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने अपने मुद्दे रखे, और साथ में ही जो लोग हैं उन्होंने भी हमको बताया कि आखिर दतिया में कितना विकास हुआ है और अभी कितनी जरूरत है। हालांकि जो सरकार के कामों से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आए, चाहे अगर आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, ऐसी तमाम योजना है जिनका लाभ लोगों को मिल पा रहा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, दावे कितने सच होंगे यह आने वाले चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट हो पाएगा। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, दतिया।